जय गुरुदेव। भक्तजनों, मैं अक्सर नीम करोली बाबा जी की कहानियाँ सुनती रहती हूँ, उनके वीडियोस देखती रहती हूँ। लोग जिन्हें वो महसूस हुए हैं, जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा है, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और बिल्कुल खो जाती हूँ उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना बाबा जी खुद मुझे ये सब कहानियाँ सुना रहे हैं, अपने मुंह से सुना रहे हैं, और मैं बिल्कुल आराम से बैठ के, मैंने आपको बताया ना, मैं उनको अपने पिताजी की तरह देखती हूँ, तो वो ऐसा लगता है बस बैठे हुए हैं और कह रहे हैं चल सुन ममता, ऐसा सुन ऐसा सुन। तो आज एक बहुत ही अच्छी मैंने रियल लाइफ स्टोरी सुनी, जो कि बहुत पुरानी नहीं है कहानी, और 2017 की बात है ये, तो आपको भी मैं सुनाना चाह रही हूँ। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है और स्मृति नाम है उस बच्ची का, और स्मृति बाबा जी को चद्दर वाले बाबा जी कहकर बुलाती है। अब क्या है ये कहानी, पूरी ध्यान से सुनिएगा और शुरुआत करते हैं। जय महाराज जी, जय नीम करोली बाबा जी। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरदोई, और हरदोई के पास एक गांव है जिसका नाम है अमृता। तो अमृता में एक सेनानिवृत्त व्यक्ति रहते थे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। तो वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करते थे, और उनकी बहन और उनके हस्बैंड भी वहीं रहते थे आसपास। तो अच्छा खुशहाल परिवार था, सब खुशी से रह रहे थे। तो इनकी एक प्यारी सी बेटी थी बहन की, और अक्सर क्या होता था कि उसके बहुत तबीयत खराब रहती थी उसकी, पूरे घर की लाडली थी, सबकी आंखों का तारा थी वो बच्ची। तो उसको थोड़ी भी तकलीफ होती थी तो पूरा घर परेशान होने लगता था, डॉक्टरों को दिखाने ले जाते थे, बार 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 उसको सेम प्रॉब्लम होती थी। और होता क्या था, उसके पेट में बहुत दर्द होता था। जितने भी डॉक्टरों को दिखाया तो वो कुछ पेन किलर्स यानी कि दर्द खत्म करने वाली दवाइयाँ दे देते थे, और जब वो दवाई दो कुछ घंटों के लिए स्मृति को आराम होता, लेकिन फिर उसकी वही हालत हो जाती। बहुत परेशान हुए तो जो सेवानिवृत्त जो घर के मेंबर थे, उनकी दोस्ती हुई उनसे जो ये कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि दोस्त देख, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहन की जो बेटी है स्मृति, जो सिर्फ अभी 2-2.5 साल की है, और उसको इतनी तकलीफ है कि उसकी तकलीफ हम सबसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हमें कुछ उपाय बता। तो दोस्त ने उनको उपाय बताया कि देखो ऐसा करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को एक बार और दिखाते हैं। तो उनकी राय मानी गई, और जब राय मानी गई तो एक बड़े अस्पताल में बरेली में उस बेटी का चेकअप कराया गया। जब चेकअप कराया और उसका जो रिजल्ट आया, वो देख के सब सन्न रह गए, सब मतलब बिल्कुल ही दुखी हो गए। और दुखी होके सेवानिवृत्त जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने दोस्त को आधी रात को फ़ोन किया और रोने लगे। जब वो रोने लगे तो दोस्त बहुत परेशान हुए, दोस्त जी हाँ वही जो कहानी सुना रहे हैं हम सबको, वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं बरेली आया तुम्हारे कहने पर, और इतने बड़े अस्पताल में मैंने अपनी जो मेरी बहन है उसकी बेटी का चेकअप कराया, बहुत सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और मैं अपने मुंह से नहीं कह पा रहा लेकिन बीमारी गंभीर है, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि और कोई चारा नहीं है, हमको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्त ने कहा प्लीज़ मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए। तो उनके बहुत आग्रह करने पर जो सेवानिवृत्त थे, उन्होंने बताया कि बेटी के पेट में बहुत बड़ी गांठ है, और वो जब तक रिमूव नहीं की जाएगी पेट से, वो हमेशा उसको उतना ही दर्द देगी, और हो सकता है समय के साथ वो कैंसर में परिवर्तित हो जाए। ओ माँ, इतनी छोटी बच्ची और इतना दुख, इतना दर्द। कहीं ना कहीं दोस्त भी बहुत विचलित हो गए, और उन्होंने पूरी रात थोड़े थोड़े देर में अपने दोस्त से बातें जारी रखी, क्योंकि दोस्त अकेले लेके गए थे बेटी को, बच्ची को, और बच्ची के माँ और पिताजी जो थे अभी भी अमृता गांव में ही थे, और वो सुबह आने वाले थे रात की ट्रेन से। तो
दोस्त अकेला ना रह जाए, दोस्त परेशान ना हो जाए, इसकी वजह से जो है उनसे रात भर फ़ोन पे वार्तालाप करते रहे और 2-2.5 बजे के आसपास उनको सोने के लिए कहा। वो सोने चले गए तो यहाँ जो ये फ्रेंड थे जो ये कहानी सुना रहे हैं कहने लगे कि मैं इतना विचलित हो गया कि नींद तो मुझे आनी नहीं थी। और ये नीम करोली बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने इनको पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा भाव आया कि मुझे अब ध्यान में बैठ जाना चाहिए और मुझे बाबा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान में बैठ गए और कहते हैं ना भक्तजनों, जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत डीप थॉट्स में जाते हो, तो आपको चीज़ें महसूस होने लगती है, आप भगवान से सीधे सीधे जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। यही हुआ इनके साथ भी, और इनको बाबा का ध्यान करते करते ही एक दृश्य दिखाई दिया। और वो दृश्य था कि ICU के अंदर बेटी का ऑपरेशन हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है, और उसके पास उनके यही मित्र खड़े हैं और 2 लोग और खड़े हैं, क्योंकि उस बच्ची के माँ और पिता को इन्होंने कभी देखा नहीं था दोस्त ने, तो उन्हें नहीं पता कि वो 2 कौन थे, लेकिन ये सोचने लगे कि शायद माँ बाप को ही मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सुकून सा मिला। और जब सुबह हुई, जब उन्होंने देखा कि अब डिसीजन ले लिया गया है ऑपरेशन का और माँ बाप बच्ची के साथ ICU के बाहर ही खड़े हैं, ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है, तो इन्होंने जो है सेवानिवृत्त अपने दोस्त को कहा कि प्लीज़ तू नीम करोली बाबा जी का ध्यान कर कहीं एकांत में जाके। तो भक्तजनों, नीम करोली बाबा जी का इस अमृता गांव से ना बहुत बड़ा और गहरा नाता है। कहते हैं जब अकबरपुर छोड़ा उन्होंने, बाबा जी ने अपने घर को, तो नैनीताल की ओर बढ़ रहे थे अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए। तो उस वक्त जब वो बढ़ रहे थे तो इस गांव में वो 3-4 दिन रहे थे, और उन 3-4 दिनों में ही लोगों ने उनको देख लिया था, उनको समझ लिया था। तो जब वो वहाँ से प्रस्थान करके गए तो लोगों ने लक्ष्मण दास नाम से इस गांव में उनका एक मंदिर बनाया। हम सब जानते हैं कि नीम करोली बाबा जी का एक्चुअल नेम जो था, असल नाम लक्ष्मण दास था। तो लक्ष्मण दास के नाम से यहाँ पे उनका एक मंदिर बना हुआ है जिसमें भक्त श्रद्धालु सब जाते हैं और आज तक जाते हैं। तो इसीलिए ये परिवार, इस बच्ची का जो परिवार है, इसके मामा, इसकी माँ, पिताजी, भाई, सब भक्त थे नीम करोली बाबा के। तो वो भी बैठ गए मेडिटेशन में और बाबा जी का ध्यान करने लगे, और ध्यान में ही उन्हें बिल्कुल वही चीज़ महसूस हुई जो इनके दोस्त को हुई थी, कि सब कुछ ठीक हो गया है, बेटी हंस रही है और ICU से सब लोग शीशे से उसको अंदर देख रहे हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित है। बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें इस ध्यान को करने के बाद, और जैसे ही ध्यान जो इनका भंग हुआ, वो कैसे हुआ, बहन की आवाज़ सुन के कि भैया 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 सुनो, सब ठीक हो गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, और वो रो रही थी फूट फूट के, कुछ कह नहीं पाए वो, बस बाबा जी को धन्यवाद दिया और बिल्कुल ICU के उसी विंडो से, छोटे से शीशे से वो बेटी को देखने लगे जो कि आराम से सोई हुई थी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी और बताया कि अब आपकी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, ये समय भी निकला, बीता और सब खुशहाल रहने लगे। कहते हैं जब स्मृति एकदम ठीक हो गई, अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, तो एक फ़ोटो बाबा जी की जो उनके घर में पहले से थी, जिसको वो कभी देखा भी नहीं करती थी, उसका ध्यान भी नहीं जाता था, अपने आप उस फोटो को उसने अपना फेवरेट बना लिया था। और जानते क्या कहती थी, मेरे चद्दर वाले बाबा, मेरे चद्दर वाले बाबा। जी हाँ, ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब स्मृति का ऑपरेशन हो रहा था, जब वो कष्टों से घिरी हुई थी, तो बाबा जी उसके साथ थे और बाबा जी उससे बातें कर रहे थे, उसको अपने साथ उसका मन लगा रहे थे। नहीं तो इतनी छोटी सी बच्ची जो जानती ही नहीं थी नीम करोली बाबा जी कौन है, कैसे उनकी फ़ोटो उठाती, उसे उन्होंने उसने ये कहा कि ये तो मेरे चद्दर वाले बाबा हैं। समझ रहे हैं भक्तजनों, ये है बाबा जी की महिमा। तो ध्यान लगाइएगा, अच्छा करिएगा, भूखों को भोजन करवाइएगा,
और दूसरों के साथ हमेशा प्रेम से रहिएगा। बस यही सिखाया है बाबा जी ने, सिर्फ यही सिखाया है। जय गुरुदेव।